मैं जिस जगह पर हूँ ये बेली रोड कहलाता है, ये बड़ा भीड़ भाड़ वाला इलाका है। ये बताइए मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क पहनना तो चाहिए था, अभी चाय पीनी थी इसलिए मास्क हटाया, मेरे पॉकेट में है अभी। मैंने चाय पी रहा, मैंने अभी चाय पी है, रखे हुए चाय पी, इसलिए खोले हैं। जल्दीबाजी में निकल गए इसलिए मास्क नहीं ले पाए। मास्क रखे हुए बैग में, निकल ले। मास्क का है, मास्क है ये पॉकेट में रखने के लिए है क्या? विधानसभा में जाके देखे जे कौन लोग मास्क लगाए। नहीं नहीं पहनने, मास्क तो पहनते हैं डेली। कहाँ से आए? तो ये पटना राजीव नगर से। राजीव नगर से बिना मास्क के आ गए? हाँ लापरवाही तो है, मेरा गलती भी है। कोरोना के मामलों ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। देश के उन राज्यों में जहां पर कोविड के केसेस कम आ रहे थे, वहां एक बार फिर बड़ी तेजी से वही केसेस बढ़ने लगे। मैं पटना में मौजूद हूँ और यहाँ पर विधानसभा का चुनाव भी खत्म है, लेकिन क्या कोविड को लेकर लोग सचेत हुए हैं? मैं जिस जगह पर हूँ ये बेली रोड कहलाता है और ये बड़ा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, और यहाँ देखिए भाई साहब मास्क है लेकिन पहना का है नहीं। आप पहने? अभी बिस्किट खा रहे थे इसके लिए। बिस्किट गाड़ी में तो नहीं खा रहे थे आप? खा, पानी पी के अभी आए हैं। डर लगता है कि नहीं लगता है कोरोना? डर लगता है। ये बताइए आप लोग, नहीं चाय वाय पी रहे अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए कि कोविड से डर लगता है कि नहीं लगता है? कोविड से डर तो लगता है मैम। पिछले 5 मिनट से मैं आपको देख रही हूँ, आपने मास्क नहीं पहना। मैंने चाय पी रहा मैम, मैं 5 मिनट में दूसरा चाय पी रहा हूँ जी मैम। आप इधर आइए। मास्क कहाँ? मास्क रखा हुआ, गमछी रखते हैं हमें। हाँ ये आप लोगों को डर लगता है? इतने लोग आते हैं दुकान पर चाय पीने के लिए, पान मांगने के लिए, सुपारी मांगने के लिए, और मास्क नहीं पहन, गमछियां रखते हैं नेटा। गमछी गले में टांगने के लिए सौंदर्य थोड़े बढ़ाना है गले का, मास्क पहनना हो। लगाते हैं इसको गमछियां लगाते हैं जब तक आप ठंड। इधर जरा कैमरा घुमाइए और देखिए कि यहाँ पर जो लोग हैं क्या उन लोगों ने मास्क पहना हुआ है? ज्यादातर लोग ऐसे ही आपको मिलेंगे। भाई साहब मास्क का है? मास्क अभी चाय पी है। आपका मास्क आपका मास्क रखे हुए चाय पी रहे इसलिए खोले हैं। चाय की दुकान है यहाँ पर, इसलिए इन लोगों ने मास्क नहीं पहना है। और ये आपको मैं बता दूं कि बिहार में सबसे ज़्यादा लोग जो है वो लापरवाही बरत रहे हैं कोविड के मामले में, यानी मास्क नहीं पहनने को लेकर के। यहाँ पर भी एक शख्स है। कहाँ जाना है आपको? कहाँ जाना है? नवीन पार्क। आप किधर से आए? पटना से। पटना से कितनी दूर चलकर आए? अभी तो ऑटो से उतरे। मास्क का? मास्क रखे हुए बैग में, निकल ले। बैग में रखने के लिए? अरे अभी उतरे हैं। डर वर आप लोगों को नहीं लगता है क्या? लगता है। इतने केसेस 91 लाख के पार है कोविड केसेस, पता है? पता है। तो क्या मैं मजाक? सही बोलने से नहीं होगा, मास्क पहने क्यों नहीं? मैं दोनों में मास्क लगा के। इधर घुमाइए जरा, या ये देखिए, जब भी ऐसे केसेस होते हैं तो यहाँ पर लोग जो मास्क पहनने लगते हैं। इतने लोगों को बिठा कर लेकर जाते हैं, चचा डर वर नहीं लगता है? मास्क का है? मास्क है ये पॉकेट में रखने के लिए है क्या? बीमारी जो है वो फैल रही है बीमारी, ये थोड़े कह रही है कि मास्क को जो पॉकेट में रख लो। मास्क जो है वो आप बदल लीजिए, गंदा हो गया है, पुराना हो गया है। सूती कपड़ा जो आपने बाल में ढका हुआ है उसी को पहन लीजिए, लेकिन पहनिए कुछ। क्या लग रहा है? मैं मजाक कर रही हूँ सर। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम बाजपट्टी से हैं। आप सर? सीतामढ़ी, बाजपट्टी से। आप? बाजपट्टी सीतामढ़ी। तो मास्क क्या बाजपट्टी में ही छोड़ दिए? नहीं, मास्क लगाए हुए हैं ना। आप कैमरे पर तो नहीं दिख रहा है सर? ना कैमरे पर नहीं दिख रहा है, देख लीजिए आगे जाके। मास्क क्यों नहीं? ताकि मास्क लगा के नाश्ता किया जाता है क्या? नाश्ता अभी आप कर रहे हैं सर? नाश्ता किया है ना? नाश्ता करके अभी नाश्ता कर रहे? नाश्ता करके निकले है ना? मास्क क्यों नहीं पहना आपने? क्यों नहीं पहना? आप विधानसभा में जाके देखिए, आप दीजिए ना। मास्क लगाए थे? विधानसभा में जाके देखिए कौन लोग मास्क लगाए थे। विधानसभा में नहीं पहनेंगे तो आपको देखना चाहिए ना उधर, आप जाइए ना। मैं जवाब सुनना चाहती हूँ कि आपने को मास्क क्यों नहीं पहना है, इसका क्या जवाब? पूछिए। नहीं यार, मास्क नहीं लगा ले, पूछिए। मास्क क्यों नहीं पहना आपने? मास्क क्यों नहीं?
आपने मास्क नहीं? अभी नाश्ता नाश्ता सर अभी तो नहीं कर रहे, मास्क कहाँ है सर? ये ऐसी ही तस्वीर यहाँ पर नजर आती है बिहार में अक्सर। पटना में जिस चौक चौराहे पर आप जाएंगे लोग मास्क नहीं पहनते हैं और जवाब पूछने पर, सवाल पूछने पर ऐसा ही जवाब मिलता है। ये यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो चाय पीते नजर आ रहे हैं, तो लोगों से जब आप सवाल करने जाएंगे तो लोगों को कहना हम चाय पीने आए हैं, लेकिन जब चाय पी लिया तब मास्क कहाँ है। अक्सर गलतियाँ आरोप दूसरों पर मढ़ा जाता है। कई सारे लोग हैं यहाँ पर, सवाल सबसे होगा आज। ये बताइए, ये आगे आइए, आगे आइए, आप तो सामान बेचते हैं ना भाई साहब? हाँ बेचते। कितने लोग आते, कितने लोग आते हैं दिन भर में? 100-200 आदमी आते हैं। 100-200 आते हैं। 100-200 लोग अगर कोरोना लेकर आएंगे तो आपको डर लगेगा कि नहीं लगेगा? कोरोना पता कैसे चलेगा कि है उनके पास? पता कैसे चलेगा कि क्या नाम है आपका? सनोज कुमार है, सनोज कुमार। क्या रे, कोरोना पता नहीं चलेगा? कोई किसी के पास कैसे पता चलेगा कि उसके उनके पास है? इसलिए जो है आप इंतजार करेंगे कि पहले पता चले तब मास्क पहनेंगे? नहीं नहीं पहने, मास्क तो पहनते हैं डेली। कहाँ है अभी मास्क आपका? अभी मास्क रखा हुआ इधर दुकान पे रखा हुआ है। दुकान पे रखने के लिए मास्क है? दुकान को पहनाते हैं? नहीं 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 पहनाते, पहने हुए रहते। अभी नाश्ता किए ना तो निकाल दिए। कितनी देर हो गए आपको नाश्ता? हो गया तो आप 10 मिनट हो गए। मास्क तो नहीं पहना ना आपने? मास्क नहीं पहना। आप लोगों को लगता है कि मैं मजाक करती हूँ? नहीं नहीं पहनना है। 91 लाख से ज्यादा केसेस है पूरे इंडिया में, आपको पता है? हाँ हाँ। 91 लाख का मतलब समझते हैं? समझ रहे हैं। 91 लाख लोग संक्रमित हो गए। तो ये मजाक है, उन लोगों को पता नहीं चला, इसलिए आपको लग रहा है कि आपको भी नहीं पता चला? नहीं नहीं हम लोग पहने गए, जरूर पहनेंगे, मास्क पहने गए। इधर आइए, इधर इधर आइए भाई, इधर आइए, इधर 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 बाबू इधर आओ। खाना नहीं खाया? हाँ खाना नहीं खाया। अभी आप तो खड़े थे खाना खाने के लिए। चलिए ठीक है, अभी मास्क है ये दिखा दीजिए। ये मास्क है? ये मास्क है आपका? यस मास्क है। देखिए आपका कहाँ है भाई साहब? कहाँ दिखाइए, आइए 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 दिखाइए जरा। हाँ मास्क की दुकान है तो आपको कोरोना नहीं होगा भाई? हैं? मास्क की दुकान हो जाने से आपको कोरोना नहीं होगा? नाम बताइए, नाम बताइए। ऐसी ही तस्वीर यहाँ पर नजर आती है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखा दूँ। देखिए अक्सर चाय की दुकान पर जब आप जाएंगे लोगों से सवाल करेंगे तो लोगों के पास एक ही जवाब होगा, हम तो चाय पी रहे थे। क्या क्या नाम है आपका? रामू मुखिया। ये बताइए कहाँ से आ रहे हैं आप? सीतामढ़ी जिला। सीतामढ़ी जिला। मास्क कहाँ है चाचा? मास्क हाँ? लगाए हुए हैं। ये लगा हुआ मास्क है, इससे कोरोना नहीं होगा? लगा हुआ। आगे आइए, आप कहाँ से आए हैं? सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी वालों को मास्क नहीं पहनना होता है क्या? पहनना होता है, रखे पॉकेट में रखने के लिए। चाय पिए हैं भैया। चाय पी के यहाँ तक आ गए और आप कह रहे अभी चाय ना? अभी कप फेंके हैं। आप लोगों को डर लगता है कि नहीं लगता? लगता है डर, की कैसे नहीं लगता है? चाय पिए हैं, कप फेंके हैं, एकरा बाद लगता है ना। मास्क पहनना जरूरी क्यों ना? तो जरूरी तो है ही, तब ना रखे हुए हैं। कितने केस है इंडिया में, कितने केस है कोरोना के? वो तो हम नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे। मैं बताऊं? 91 लाख, उससे ज्यादा। 91 लाख लोग संक्रमित हैं। सर आपका क्या नाम है? संजय कुमार यादव। आपका क्या नाम है? वीरेंद्र। कहाँ से आए? हम लोग तो यहीं के रहने वाले हैं। यही आपसे? हाँ मैं भी यहीं का हूँ। चाय का इंतजार? हाँ बिल्कुल, इतनी मीठी चाय, अच्छी चाय, उसी का वेट कर रहा हूँ। हाँ। ये बताइए मास्क क्यों नहीं पहना है? मास्क पहनना तो चाहिए था बट जल्दीबाजी में निकल गया, इसलिए हम मास्क नहीं ले पाए। आपको पता है सर कितने केसेस है कोविड के इंडिया में? जी हाँ बिल्कुल, अभी चाय पीनी थी इसलिए मास्क हटाया, मेरे पॉकेट में है अभी मास्क लेके ही। पॉकेट में मास्क रखने के लिए नहीं होता है एक्चुअली, चाय पीने। सही 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 बात है। 91 लाख से ज़्यादा केसेस हैं पूरे भारत में, यानी 91 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो। नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है, ये गलत है। मास्क हम थोड़ा जल्दीबाजी में आ गए इसलिए नहीं लगाए, बट हम इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। जी जी सबको रखना चाहिए। आपको क्या लगता है? जी हाँ बिल्कुल मास्क पहनना चाहिए। हाँ बिल्कुल रखना चाहिए। भाई साहब इधर आइए, क्या नाम है भाई साहब आपका? राजीव रंजन। कहाँ से आए? तो ये पटना राजीव नगर से। राजीव नगर से बिना मास्क के आ गए? हाँ लापरवाही तो है, मेरा गलती भी है। बाकी गलती मानते हैं, लापरवाही मानते हैं, लेकिन फिर भी मास्क नहीं पहन। अरे लेके चलते जनरली, बाकी अभी जस्ट कुछ अर्जेंट वर्क था तो ध्यान नहीं रहा, तो हम ऑलरेडी लगा। अर्जेंसी में अगर आप संक्रमित हो गए तो? हाँ ये तो बात सही है, बाकी क्या करें, सरकार भी तो है
पूरा पर्व नहीं मनाना या नहीं मनाना है, बाकी इलेक्शन में भीड़ जुटाना है 10,000। सरकार को कब तक गलतियां देंगे सर? आपने तो मास्क नहीं पहना है, पहले तो आपको अपनी प्राथमिकता समझनी चाहिए। है हमारा भी, बाकी पर्व बीत गया। नहीं नहीं, मुझे बताइए, पर्व तो बीत गया, चुनाव भी बीत गया, ठीक है, अब आपने मास्क क्यों नहीं पहना? सरकार भी तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं निभा रही है, इकट्ठा करना क्या जरूरी है 10,000 भीड़? सरकार आपको मास्क थोड़े देगी? मास्क अब मुझे इतना जवाब दे दीजिए ना कि आपने आज मास्क क्यों नहीं पहना? ये तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम अपना सेफ खुद रखें, सरकार नहीं रखे। बाकी सरकार का भी तो जैसे बंद करे कि भीड़ नहीं लगाना है, तो सरकार का भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भीड़ नहीं लगाना इलेक्शन में, ये सरकार का जवाबदेही है कि नहीं? से अगर ये जवाब मांगा जाए, अगर आप भगवान न करे आप अगर संक्रमित हो गए, तो आप डॉक्टर को क्या जाके बोलेंगे कि सरकार की वजह से हो गए? नहीं, ये मास्क नहीं पहना, ये तो हम सरकार को क्या बोले, तो मेरा गलती है, हम तो बोल नहीं रहे हैं। तो ऐसी ही तस्वीरें देखिए, सवाल वही है कि बार बार जिस बात का जिक्र किया जा रहा है कि मास्क सबसे ज़रूरी है, प्राइमरीली बेसिस पर अगर आपके पास कोई ज़रूरी काम हो और आपको घर से बाहर निकलना हो तो आप मास्क पहनिए, मास्क पहनिए। चुनाव खत्म हो गए हैं बिहार में, पर्व भी खत्म हो गए हैं, और अभी भी अगर आप बाहर निकल रहे हैं घर से तो आप अगर मास्क नहीं पहने तो ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। और अभी वही सवाल कि आखिर देश कब तक यूं लापरवाही करता रहेगा और कोरोना को बार बार आमंत्रण देता रहेगा।